नमस्कार। धान की फसल में हाइब्रिड सीड 27, 15 और 34, 15 के आने से परेशान शेलर मालिकों ने गुरदासपुर के गोट पोखर में एक बैठक की। शेलर मालिकों ने कहा कि उच्च रोटी के बीजों के कारण 27, 15 और 34, 15 किसानों को भी काफी नुकसान हुआ है और अब इस नुकसान का वहन शेलर मालिकों को करना होगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने पंजाब सरकार से 27, 15 और 34, 15 को वस्तुओं को स्टोर करने की अपील की है ताकि वे शेलर्स को नुकसान न पहुंचाएं क्योंकि सरकार ने उन्हें एक बोरी दी है। उन्होंने कहा कि इस जिन्स में से 67 किग्रा चावल की खरीद की जानी है, लेकिन इस जिन्स से केवल 50 से 58 किग्रा चावल का उत्पादन किया जाना है, जिससे शेलर्स को काफी नुकसान होगा। उन्हें कहा 50% बरदाना दिए जाए। गुरदासपुर से जगजीत सिंह की रिपोर्ट। जिले गुरदासपुर की रेस एसोसीएशन की सारे जिले मिल मालकों की मीटिंग हुई है। मीटिंग इस करके दुखी होकर करनी पई है कि जो नवा हाइब्रिड बी 27 तो 34 आया, जिमीदार भी बहुत वड्डी सट वजी आ, तो आढ़तियां ने घट रेट तो माल खरीद के ला लिया। वो माल ला के साढ़े हुण मिलां ते आउणा आ। सानू पिछली बारी भी जील्ड का बहुत वड्डा घाटा पिया सी, ऐतकां वी असीं अपने लैवल ते जील्ड कढ के वेखी आ अपनी मिल दे विच, जिहड़ी 55 किलो तो लैके 58 किलो तक पई आ। ये सारी मार जिहड़ी आ हुण मिलर नूं पैणी आ, मिलर अगे पीस रहा चक्की दे विच, ते सानू बहुत वड्डा ऐतकां जिहड़ा इहदे मार पै रही आ। किसान वीरां दा कोई कसूर नहीं गा, कसूर नूं सरकार ने सही टाइम गाइड नहीं किया। असीं डीसी साहब नूं बेनती कर ली चले हाँ कि साडा साथ दो, जिहड़ा माल है वो अपनी कस्टडी च लाओ। असीं माल जिहड़ा 27 ते 34 आ बिल्कुल नहीं चुकना। इस तो पहलों 5-7 साल पहलों 201 बी आया सी, उहदे नाल साडे पंजाब दे विच 150-200 मिल बंद हो गई सी, ते जे वी माल साडी मिल ते आ गया, असीं सरकार ने साडे कोल 67 किलो चौल लैणे आ, हां चौल दे नहीं सकणा। ये बहुत वड्डा घाटे वाला सीजन आ। असीं एडमिनिस्ट्रेटर नूं बेनती करदे हां। दूजी गल इह आ कि सरकार सानूं 30% वारदां दे रही ऐतकां, पहलों हर साल पॉलिसी दे विच 50% दे रही सी, ऐतकां सानूं वह भी वारदाना भी टाइम नाल नहीं का मिल रहा। वह भी सरकार नूं बेनती आ कि सानूं मिलरां नूं 50% वारदाना दिता जाए। को हाँ चौल ला के 50% देने, 50% अगे मिलर दिंदा, तो जिहड़ा सानूं उहदे देंदे सीगे अपनी कीमत, वह भी सानूं 75% घट।